वेलकम फ्रेंड्स, एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस की 49 दरवाली भर्ती का रिजल्ट आने के बाद सभी अभ्यर्थी परेशान हैं, जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, बस वीडियो के साथ में पूरा लास्ट तक बने रहें। साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो लड़कियां हैं वह काफी परेशान है कि कितनी यहाँ पर लड़कियों की वैकेंसी है इसमें और कितनी लड़कियां यहाँ पर पास की गई है। तो दोस्तों, प्रूफ के साथ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितनी लड़कियों का नाम इस लिस्ट में दिया जा रहा है जो आपका पासिंग लिस्ट जारी किया गया है। साथ में दोस्तों, जिनको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं है उनके लिए भी मौका है। कैसे मौका मिलेगा, पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो में। कितने लड़के यहां पर पास हुए हैं, सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, सावधान कैसे रहना है, तो हर एक बात को जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सही और सटीक इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आ चुके हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में और 3594 पेजेस की ये लिस्ट है। तो सबसे पहले अगर गर्ल्स के बारे में हम बता दें तो गर्ल्स के जो यहाँ पर 49 वाली भर्ती में पदों की संख्या है वह लगभग 7000 के करीब है। अब दोस्तों, जब 7000 के करीब यहाँ पर गर्ल्स की पदों की संख्या है तो जो यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल होने वाली अभ्यर्थी होंगी उनकी संख्या लगभग यहाँ पर 18000 के करीब होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भर्ती बोर्ड ने बताया है कि 2.5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है उनके पदों को देखते हुए। अब दोस्तों देखते हैं, अब हम ये आपको चेक करके बताते हैं, यहां पर प्रूफ के तौर पर दिखाती है कि कितनी लड़कियां यहां पर इस लिस्ट में शामिल हैं यानी कि पास की गई हैं। तो देखिए, आप भी यहां पर चेक कर सकते हो। आपको यहां पर ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक करना होगा और यहां पर टाइप करना होगा फीमेल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और यहां से आप फीमेल की लिस्ट का पता लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर फीमेल टाइप किया है, आपको बता दें कि यहाँ पर जो देखिए सर्च रिजल्ट है वह चलना शुरू हो गया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर एक जेंडर का ऑप्शन दिया गया है लिस्ट में और यहाँ पर मेल और फीमेल का जेंडर दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, अगर कोई फीमेल है तो उसके जेंडर के सामने यहाँ पर फीमेल लिखा हुआ उसको मिल रहा है। तो यहाँ से दोस्तों हम ये सर्च करेंगे कि कितने यहाँ पर बार फीमेल वर्ड आया है, क्योंकि जितने बार फीमेल वर्ड होगा उतनी ही लड़कियाँ यहाँ पर सिलेक्ट की गई होंगी, उनका यहाँ पर लिस्ट में नाम होगा। तो अभी दोस्तों देख सकते हो कि लगभग 5000 यहाँ पर क्रॉस कर चुका है सर्च बार। तो अब दोस्तों देखना होगा कि कितने लोग यहां पर इस लिस्ट में फीमेल शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूंगा कि यहां पर आपका सेकंड लिस्ट फीमेल का आएगा या नहीं आएगा, क्या प्रोसेस होने वाला है फीमेल के लिए, मेल वालों के लिए भी मैं आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और देखिए दोस्तों, यहां पर लगभग 10000 के करीब पहुंचने वाला है। अभी दोस्तों हमारा सर्च बार रुका नहीं है, क्योंकि जब तक पीछे का 3 डॉट्स हटेगा नहीं तब तक हमारा सर्च यहां पर चलता रहेगा। दोस्तों बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एक एक का मैं यहाँ पर चेक करके पूरी तरीके से जानकारी आपको प्रोवाइड करा देता हूं ताकि सभी का जो डाउट है वह पूरी तरीके से क्लियर हो सके। इसका दोस्तों, अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो आप यहां पर क्या टाइप करोगे, अदर देन स्टेट। आप यहां पर जब टाइप करोगे ना, तो यहां पर जितना भी अदर देन स्टेट का ऑप्शन मिलेगा तो यहां पर आपको उसका सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप ये भी पता कर सकते हो कि कितने लोग यहां पर अदर स्टेट से भी यहां पर इसमें पास किए गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक सबसे अच्छी चीज अगर दे दी गई होती तो हमारे लिए और बेनिफिट होता कि अगर यहां पर कैटेगरी दे दी गई होती तो हम ये भी पता कर सकते थे कि किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी भी पास किए गए हैं। तो बस दोस्तों, थोड़ा सा हमारे लिए लूज पॉइंट यही रहा है कि यहाँ पर कैटेगरी आपका नहीं दिया जा रहा है। अगर कैटेगरी दिया गया होता तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस था सब कुछ क्लियर करने का। चलिए दोस्तों, यहां पर सर्च रिजल्ट अभी भी चल रहा है, हमारा रुका हुआ नहीं है और देखना होगा कि कहां पर जाकर सर्च रिजल्ट रुकता है। यहां पर बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरी जानकारी मैं आपको क्लियर करूंगा। सेकंड लिस्ट के बारे में बताऊंगा, बॉयज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बस थोड़ा सा फीमेल का यहां पर चेक करके मैं आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए, लगभग 15000 करीब यहां पर होने वाला है और अभी भी जो सर्च रिजल्ट है वह रुका नहीं है। यहां पर देखना होगा कि कितना यहां पर सिलेक्ट हुए हैं लड़कियां। जी बस थोड़ा सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, क्योंकि 18000 ज्यादा लड़कियां यहां पर पास नहीं की गई होंगी। जी चलिए, अभी देखना होगा तो कितना यहां पर होता है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहां पर जो सर्च रिजल्ट है वह रुक चुका है, क्योंकि पीछे का 3 डॉट्स खत्म हो गया है। तो देखिए, इमेजिन आप यहां पर देख सकते हो कि 15682 लड़कियां सिलेक्ट की गई हैं। यानी कि दोस्तों, इस लिस्ट में 15682 लड़कियां शामिल है, अभी पास हो चुकी हैं। अब दोस्तों, जो लोग ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स यहां पर बहुत कम पास की गई हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, 15682 रिजल्ट यहां पर देखने को मिल गए हैं। अब देखिए, आपका यहां पर एक बात मैं बता देता हूं कि पिछली बार जब आपका 4-5 हजार के करीब भर्ती था गर्ल्स का, तो लगभग 20000 के 22000 के करीब जो गर्ल्स थी उनको यहां पर मौका मिला था। 4-5 गुना मौका दोस्तों मिलता था यहां पर हर बार, और इस बार गर्ल्स के लिए अभी 2.5 गुना भी कंप्लीट मौका नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, गर्ल्स के लिए चांस है पूरी तरीके से। तो गर्ल्स लोग जिनका कम नंबर आ रहा है, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, तो प्लीज अपनी तैयारी करते रहें, आपको जरूर मौका मिलेगा, सेकंड लिस्ट आने के आपके पूरे पूरे चांस हैं।
क्योंकि गर्ल्स लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा फेल होते हैं फिजिकल को लेकर और DVPST को लेकर, तो प्लीज बस अपना तैयारी करते रहें आप लोग। इसके बाद दोस्तों अगर बॉयज की बात करें तो बॉयज का दोस्तों जब यहाँ पर 15,682 लोगों को हटा दिया जाएगा 1,23,000 में से, तो लगभग 1,07,000 के करीब यहाँ पर जो है वह बॉयज को पास किया गया है। अब दोस्तों कुछ इसमें से अदर स्टेट वाले भी होंगे। अब देखिए दोस्तों ये तो बात हो गई इस प्रकार की, अब सबसे जरूरी बात हम आपको बता देते हैं कि देखिए बॉयज का जो लिस्ट है सेकंड लिस्ट के बारे में अगर बताऊं मैं, तो अभी बॉयज के लिए सेकंड लिस्ट के बारे में कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों बॉयज का सेकंड लिस्ट तब क्लियर होता है जब आप फिजिकल देने के लिए जाओगे, आपका फिजिकल में कितने अभ्यर्थी पास हो रहे हैं इसके बाद ही यहाँ पर क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों चांस है इस बार भी बॉयज के लिए, क्योंकि मैं आपको बहुत पहले बताया था कि लगभग 3 गुना अभ्यर्थी इस बार भी पास किए जाएंगे, और अभी 2.5 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं, मौका मिल सकता है 20-25 हजार और कैंडिडेट को। वही दोस्तों फीमेल के लिए मौका मिल चुका है आपके लिए, बिल्कुल आपको मौका दूसरा जरूर मिलेगा, परेशान मत होइएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरा मकसद दोस्तों आपको डिमोटिवेट करना कभी भी नहीं रहा है, बस मेरा मकसद यही है कि बस आप हमेशा मोटिवेट रहो और जो मैं बताता हूं बस आप उसे फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि सावधान नहीं किसी प्रकार के बहकावे में आप मत आए, अगर कोई आपसे पैसे का लेन देन करता है और कहता है कि हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, यहाँ पर जुड़वा के ये करो वो करो, तो प्लीज कुछ भी मत कीजिएगा आप ऐसा, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगली बात जो मैं आपको बता दूं कि देखिए अभी आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो क्या होगा कि हमारे मार्क जो है वह दिखाए जाने चाहिए, तो आपकी डिमांड होनी चाहिए कि आपके मार्क दिखाए होने चाहिए, बस आपको सिर्फ इतना यहाँ पर कोशिश करनी है कि भर्ती बोर्ड की तरफ से आपके सभी के मार्क जो है वह जारी होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, और अगर आपसे कोई ये बोलता है कि आपका फाइनल कट ऑफ इतना बढ़ेगा या घटेगा, तो दोस्तों परेशान मत हो, ये फाइनल कट ऑफ के बारे में किसी के पास अभी भी सटीक जानकारी नहीं है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तब डिसाइड किया जाता है जब आपका सारे फिजिकल वगैरह क्लियर हो जाते हैं, मेडिकल के करीब आपका फिजिकल वगैरह क्लियर होता है, तो इसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाता है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके साथ में आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.talkwithravi.in पर लगातार विजिट करते रहें, यहां पर यूपी पुलिस भर्ती संबंधित और अन्य भर्ती संबंधित आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मिल जाती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।